अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 16.4 विच इज़ द एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। सो उसमें हमारे पास बेसिकली दो तरह की फर्दर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। सो इनमें क्या डिफरेंस है, हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग से, ठीक है। एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करती जा रही हूँ कंटिन्यूसली, ठीक है, यानी कि उनके अंदर टाइम टू टाइम चेंजिंग आती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे जो चीज़ कही गई वो स्टिल रहे, ठीक है, बहुत अरसे के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता ही जाता है, कंटिन्यूसली वो वेरी करती जाती हैं। तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, हम एनालॉग कहते हैं। जिस तरह आप एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है मॉर्निंग टाइम में क्या है, आजकल अगर विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, यानी थोड़ी गर्मी होती है, दोपहर को थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर क्या होता है, शाम ठंडी होना शुरू हो जाती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो क्या कंटिन्यूसली वेरिएशन आई जा रही है, तो वो तमाम क्वान्टिटीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि चेंज होती जा रही हैं, या अदरवाइज अगर हम इसको ना भी टाइम के रिस्पेक्ट से देखें, जिस तरह प्रेशर वगैरह है, तो वो भी क्या होता है, वो चेंज होता रहता है, किसी टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होता है, थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो कि कंटिन्यूसली वेरी करती रहती हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़। अब हमारे घरों में भी बहुत सारे जो हैं सर्किट्स ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं जो क्या करते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ पे ही बेस करते हैं, ठीक है। तो वो तमाम सर्किट्स जिनको एनालॉग क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनालॉग सर्किट्स कहलाते हैं, ठीक है। जिसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम लोग देखें कि हमारी साउंड क्या है, आवाज़ जो है वो क्या कर रही है, वेरिएशन प्रोड्यूस करती जा रही है, ठीक है, कभी ऊंची होती है, कभी कम होती है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास साउंड वेव्स इस तरह की आती है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं, हमें आवाज़ जो है, जो हम बोल रहे हैं, हमें किसी क्राउड वाली प्लेस पर जाके बोलना है, तो क्या होगा कि हमारी आवाज़ पीछे तक या ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगी, कुछ स्पेसिफिक लोग जो आगे आगे होंगे वो सिर्फ़ हमारी आवाज़ को सुन पाएंगे, अदरवाइज़ जो पीछे हैं वो उस आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, यानी हम माइक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब माइक के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो एक हमारा एनालॉग सर्किट है। अब एनालॉग सर्किट क्यों है, क्योंकि हमारी जो साउंड वेव है, सबसे पहले जब माइक्रोफोन में जाती है, माइक्रोफोन में जैसी हमारी साउंड वेव जाती है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, एक एनालॉग सिग्नल है। अब क्या होता है कि जिस तरह अब हम लोगों ने कहा कि हमारी जो वॉइस है वो कंटिन्यूसली वेरी करती जा रही है, साउंड को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज करवा देता है। अब क्या होता है कि हमने आगे एम्पलीफायर सेट किया होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी आवाज़ खाली अगर माइक को देखा जाए तो माइक तो कुछ भी नहीं कर सकता, माइक का अपना तो कोई काम नहीं है, जस्ट उसने हमारी आवाज़ के जो वेव फॉर्म थी उसको चेंज किया है सिग्नल के फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी होने का क्या मतलब है कि ये हमारी जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से, ठीक है, इस फॉर्म में ये क्या तक बना दिया इसने, कंटिन्यूसली वेरिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिग्नल बना दिए। अब क्या होता है कि हमने आगे एम्पलीफायर लगाया होता है, ठीक है, एम्पलीफायर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, हमारी जो इस वेव है, हमारी आवाज़ की इतनी सी वेव थी, उसको एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारी आवाज़ के सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, यानी कंटिन्यूसली वेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब एम्पलीफाई करने का यही मतलब है कि हम जो सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस देखें, तो वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीफायर का काम है इस एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देना। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से हमारे वेव इस तरह की प्रोड्यूस हो जाएगी। सो ये क्या होगा, अब हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है एज कम्पेयर टू दैट वन, ठीक है। अब जब हमारा इतना बड़ा हो चुका है, और वो किस हद तक इसको बढ़ाएगा, वो इतना बढ़ाएगा जितना हमारा लाउड स्पीकर की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है. लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर देन उस सिग्नल को अगेन साउंड में कन्वर्ट करता है ताकि तमाम लोगों को वो साउंड सुनाई दे सके. अदरवाइज अगर वो सिग्नल के फॉर्म में हो, यानी एनालॉग सर्किट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो या आगे हम डिजिटल सर्किट यूज़ करेंगे, सो उसमें सिर्फ हम 0-1 की फॉर्म में डेटा देते हैं. तो अगर उस वो चीज़ हमें सुनाई दी जा रही हो तो हम तो उसको अंडरस्टैंड ही ना कर पाएँ कि ये कह क्या रहे हैं. ठीक है, तो हमारी साउंड जो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी थी, अब उसको अगेन साउंड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, और साउंड में कन्वर्ट करने के बाद लाउड स्पीकर से हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगला बंदा क्या बोल रहा है. सो ये जो तमाम चीज़ें हमारी हो रही थी कि हमारी आवाज़ जो है कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही थी, जो कि एक एनालॉग सिग्नल था, तो ये क्या हो रहा था, ये तमाम चीज़ें क्या थी, एनालॉग थी. और इसके लिए जो हमने सर्किट यूज़ किया, यानी हमारे माइक्रोफोन्स जो यूज़ हुए, एम्पलीफायर्स जो फर्दर वर्क कर रहे हैं, और हमारे लाउड स्पीकर, वो सारे क्या बना रहे हैं, हमारा एक एनालॉग सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं. अब इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स. अब डिजिटल में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो डिस्क्रीट वैल्यू शो करते हैं. ठीक है, यानी उसके अंदर कंटिन्यूस चेंज नहीं होता. कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ कि लेट सपोज यहाँ पे अगर ज़ीरो है, ठीक है, मैंने कोई भी सिग्नल ले लिया इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 1, इस टाइम पे 2, 3 एंड ये पीक आ गई 4, 1, 2, 3, 4. ठीक है, जब ये 1 हुआ इस पर भी 1 आ गया, चेंज हो गई दोनों वैल्यूज. आगे इंक्रीज हुआ, 2 आया, इस पे भी 2 आ गया, मतलब एक्स एक्सिस पे भी इंक्रीज होता जा रहा है, वाई एक्सिस पे भी इंक्रीज होता जा रहा है, और टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली इंक्रीज आता जा रहा है, या यहाँ पे डिक्रीज भी आ रहा है. ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास इसी तरह के ग्राफ आते हैं कि इस तरह से कोई लाइन आ गई या इस तरह से आ गई. लेकिन हमारी डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि इसमें तो नंबर ऑफ रेंज आ जाती है डिजिट्स की, लेकिन उसमें रेंज नहीं आती. अगर एक हमने इनपुट दे दी वो वही रहेगी जब तक हम दूसरी आउटपुट ना देते. ठीक है, इस तरह से ये हमारी क्या बन जाएगी, डिजिटल सर्किट्स. एंड डिजिटल सर्किट्स में क्या हो रहा है कि हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है. एंड डिस्क्रीट वैल्यूज का क्या मतलब होता है, अगर हम इसी सिग्नल को, ठीक है, ये हमारा लेट सपोज साउंड का सिग्नल है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल में, तो किस तरह कर सकते हैं कि लेट सपोज ये हमारा 0 है एंड ये 1 है. ठीक है, और डिजिटल सर्किट्स में सिर्फ दो तरह से इनपुट दी जा सकती है, या 0 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में. इसके अलावा हम यूँ नहीं कह सकते कि हमने इसको 0 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, नहीं. जब भी हम डिजिटल सर्किट्स की बात करेंगे उसमें अगर हम कोई भी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, या 0 होगा यानी पूरा सर्किट ऑफ स्टेट में होगा, या 1 पे होगा यानी पूरा सर्किट वर्किंग कंडीशन में होगा. और उसी तरह से हमारे पास वेव फॉर्म भी क्रिएट होगी. किस तरह से होगी, लेट सपोज अगर ये 0 है, हमने कहा ये 0 पे इंक्रीज हुआ 1 तक, एंड 1 ये पूरी स्टेट रही, एंड 1 ये पूरा रहने के बाद डिक्रीज हो गया यहाँ पे. ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमारे पास जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो सिर्फ इसी फॉर्म में आएंगे कि यहाँ इसको इस तरह से शो करते हैं कि हम पहले कोई भी सर्किट था जो कि ऑफ स्टेट में था. ठीक है, यानी वो 0 कंडीशन पे था, रेस्टिंग स्टेट में था, हमने उसको ऑन कर दिया. एक स्विच की एग्जांपल ले लें, हम जब वो हम उसको बंद कर देते हैं यानी वो 0 स्टेट में जा चुके हैं, अब वो किसी भी लाइट को, किसी फैन को ऑन नहीं कर रहा. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको दोबारा प्रेस करेंगे, 1 पे लेके जाएंगे, तो वो फौरन वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा. इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है कि आप उस बटन को सेंटर में रखें और आधा पंखा चले और आधा बंद हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा. तो या तो आपको फ़ैन बंद ही रखना पड़ेगा या आपको चलाना पड़ेगा. तो वो क्या होता है कि अगर आपका बंद है तो ऑफ स्टेट है, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं इन डिजिटल सर्किट्स. अगर चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, तो उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑन स्टेट. और डिजिटल सर्किट में हम ऑन स्टेट के लिए 1 ही यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जितनी देर आपने उस फैन को ऑन रखना था आपने रखा. ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसको बंद कर दें, आप बटन प्रेस करेंगे, यानी अब आप उसको डायरेक्ट 0 पे ऑफ स्टेट पे ले आए हैं, तो वो क्या होगी,
बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेज कोई नहीं आती, हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू रहती है और वो किस फॉर्म में होती है, जस्ट जीरो एंड वन की फॉर्म में। एंड जो हमारे अब डिजिटल सर्किट्स हैं वो हर हर जगह इतने ज़्यादा हो चुके हैं, अब पहले तो इसका कोई इतना खास यूजेज नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, ये डिजिटल किस तरह वर्क कर रहा है। लेकिन आजकल हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे जितने भी फैंस हैं, इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस हैं हमारे, वो तमाम चीज़ें किस पे बेस कर रही हैं, ज़्यादातर डिजिटल सर्किट पे ही बेस कर रही हैं। और डिजिटल सर्किट को यूज़ करके हमारे जो बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको डिज़ाइन किया गया, हमारे डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं। एंड उनमें होता क्या है, जस्ट टू स्टेट्स आती हैं, या ऑन स्टेट होगी या ऑफ स्टेट होगी, ठीक है। अब हमारे घरों में अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं एनालॉग सर्किट्स, ठीक है। एनालॉग सर्किट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम जिस तरह ये कह रहे हैं कि पीछे से सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है, जो हमारे 220 वोल्टेज आ रहे हैं, करंट आ रहा है हमारे घरों में, वोल्टेजेस आ रहे हैं, वो तो सिग्नल के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर तो वेरिएशन है। समटाइम आपने सुना होगा कि गर्मियों के अंदर हमारे वोल्टेजेस पूरे नहीं आ रहे होते, फ्लक्चुएशन हो रही होती है, लाइट कम ज़्यादा हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि वो सिग्नल सही तरह से हमें नहीं मिल रहे होते, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है, तो वो क्या, कौन सा सिग्नल होता है, वो एनालॉग होता है। अब एनालॉग सिग्नल के लिए कौन सा सर्किट होता है, एनालॉग सर्किट। लेकिन अगर हम अपने घरों की ही बात कर लें, तो हम जो स्विचेस यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ हो रहे हैं, हमारे जितने भी अदर डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, वो या तो वर्किंग कंडीशन में होती हैं या ऑफ स्टेट में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आधी बंद हो गई, आधी जो है चल रही है। वो अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई हो तो समटाइम ऐसा हो जाता है, लेकिन आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि उस एनालॉग सर्किट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनालॉग सिग्नल को हम डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि एनालॉग से हमारा सिग्नल किस में आ जाए, डिजिटल में आ जाए। और इसी तरह हम डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो हम सर्किट्स यूज़ करते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनके हम नाम देखेंगे। सो एक हमारे पास होता है एनालॉग टू डिजिटल सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल सर्किट, ठीक है। एक हमारे पास होता है डिजिटल टू एनालॉग सर्किट, एनालॉग सर्किट। अब हम सिर्फ इन्हीं दो को अपने एक कंप्यूटर पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या हमें बता रही है, ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, ठीक है। हमने देखा होगा कि हम कंप्यूटर को कभी भी यू नहीं कहते कि यह 0 1, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो बिट्स की फॉर्म में होती है, यानी वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 0 1 की फॉर्म की लैंग्वेज को, ठीक है। इसका मतलब है हम तो 0 1 की फॉर्म ही नहीं दे रहे, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा, या जो कंप्यूटर अगर हमें 0 1 की फॉर्म में ही आंसर दे दे, तो हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि इसने आंसर क्या दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपना एनालॉग सिग्नल देते हैं, यानी हमारे वेरिएशन हो रही होती है, हम अल्फ़ाबेट्स उसको दे रहे होते हैं, 1 2 डिजिट्स दे रहे होते हैं, कभी क्या दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तमाम डेटा को पहले किस में शिफ्ट करते हैं, डिजिटल सर्किट, उसके अंदर डिजिटल सर्किट लगा होता है जो तमाम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर उसके ऊपर तमाम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने नेट पे सर्च करना है, गूगल पे कुछ भी लिखा, हमने तो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन उस लैंग्वेज को कंप्यूटर ने पहले एनालॉग टू डिजिटल सर्किट के थ्रू कन्वर्ट करवाया अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। और प्रोग्रामर्स भी यूज़ होते हैं, लैंग्वेज हम डिफरेंट यूज़ करते हैं उसमें, लेकिन बेसिकली जो हम एनालॉग टू डिजिटल सर्किट को पढ़ रहे हैं उसमें हम यही बता रहे हैं कि हम जो चीज़ दे रहे हैं वो पहले चेंज होती है, ठीक है। अब वो डिजिटल की फॉर्म में जाती है, यानी 0 1 की फॉर्म में जाती है, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो तो अंडरस्टैंड करके हमें जो आउटपुट दे रहा है वो भी 0 1 की फॉर्म में है, यानी वो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमें कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है, हमें तो एनालॉग आ रही है। हम जिस तरह हमने वेरिएशन में उसको दिए कोई भी इनपुट, वो हमें भी उस तरह देगा, तभी हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है कि हमारे जो डिजिटल सिग्नल है वो अगेन कन्वर्ट होता है एनालॉग में, एंड देन हमें आउटपुट नज़र आती है, ठीक है। सो पहले क्या यूज़ हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल सर्किट, यानी कि हम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यहाँ पे यूज़ होता है, कन्वर्टर, ठीक है। सर्किट से ज़्यादा बेटर है कन्वर्टर यहाँ पे।
सो वो क्या कर रहे हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होगा, डिजिटल सिग्नल अगेन एनालॉग में कन्वर्ट होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। इसका मतलब है डेली लाइफ में अगर हम अपनी एप्लीकेशंस को ही इस चीज़ की देखना शुरू करें कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो नंबर ऑफ हमें जो है डिवाइसेस मिलेंगी जहाँ पे या तो दोनों फंक्शनिंग एट अ टाइम परफॉर्म हो रही है या एक फंक्शनिंग एक टाइम में ज़रूर परफॉर्म हो रही होती है। तो तमाम चीज़ें जो हमारी आम डेली लाइफ में जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो तमाम किस पे बेस कर रही होती हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स पे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है या एनालॉग। और एनालॉग के लिए हम कौन से सर्किट यूज़ करते हैं, एनालॉग सर्किट्स। डिजिटल के लिए कौन से यूज़ करते हैं, डिजिटल सर्किट्स। एंड अगर हमें कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें एनालॉग से डिजिटल में जाना है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें डिजिटल टू एनालॉग आना है तो क्या करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को यूज़ करके हम अपने जो आउटपुट है उसको चेंज करवा सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक। एंड इसके आगे जो हमारी फर्दर डिटेल्स है, यानी डिजिटल सर्किट्स किस तरह से वर्क करेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।